असलम स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि हम जी सी में इनके पास बी एस फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स पढ़े हैं डिफरेंशियल इक्वेशन टू और डिफरेंशियल इक्वेशन टू में हमने स्टार्ट किया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर इलेवन एस एम यूसफ की बुक है मैथमेटिकल मैथड उसका चैप्टर इलेवन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिसको हमने स्टार्ट किया जिससे कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज के कोश्चन ईच एंड एवरी थिंग देखा ठीक है थे वगैरह देखे हमने स्टार्ट किया हुआ है एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट थ्री एक्सरसाइज एलेवन पॉइंट थ्री के हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट टेन क्वेश्चन देखे थे यानी कि वन टू टेन आज के वीडियो लेक्चर में हम मजीद टेन क्वेश्चन देखेंगे यानी कि एलेवन से लेकर ट्वेंटी तक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट वर्क दूँगी और बाकी मैं आपको खुद भी सॉल्व करवाऊँगी ठीक है असाइनमेंट वर्क देने का क्या मकसद है कि आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपको आपका प्रैक्टिस वर्क हो सके आपके एग्जाम्स अच्छे से हो सकें ठीक है तो आपने क्या करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मस्त करें ताकि सब स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके उसके अलावा अपना फ़ीडबैक मत दिया करें क्योंकि ये सारे के सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये स्टूडेंट की डिमांड पे हम बनाते हैं तो हमें आपका फ़ीडबैक चाहिए होता है तो अपना फ़ीडबैक मस्त दिया करें तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर हमारे पास क्वेश्चन नंबर एलेवन है एक्सरसाइज एलेवन Uh, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्के वाई बाई डी टी स्के माइनस फोर डी वाई बाई डी टी प्लस फोर वाई इक्वल किसके हैं यू थ्री ऑफ टी के और हमें अनिशियल कंडीशन क्या है क्योंकि हम लपलास्ट ऑफ फॉर्म अप्लाई करेंगे अनिशियल वाली प्रॉब्लम्स पे तो अनिशियल वाली प्रॉब्लम में हमेशा अनिशियल कंडीशन गिवन होती है अनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है वाई ऑफ़ जीरो इक्वस टू जीरो एंड बाई प्राइम ऑफ जीरो इक्व टू वन सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको इक्वेन नंबर वन का नाम दिया है और ये ये जो इक्वेन नंबर वन है इस पर हमने लपलास्ट ऑफ फॉर्म अप्लाई करना है दोनों साइड्स पर यानी कि बहुत साइड्स पर तो लपलास्ट था उस फॉर्म अप्लाई करेंगे डी स्के वाई बाई डी टी स्के पर तो आ जाएगा आपके पास एस के वाई एफ एस माइनस एस वाई एफ जीरो माइनस वाई प्राइम ऑफ जीरो यहाँ पे माइनस फोर है माइनस फोर को आप बेशक अलग कर लें पहले ठीक है और इस तरह से पैकेट लगाएं और वाई एफ टी पे लपलास्ट अप्लाई करेंगे तो ऐसा आएगा वाई आएगा माइनस वाई जीरो आएगा ठीक है नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस साइन ओपन होगा तो माइनस फोर एस वाई ऑफ एस आ जाएगा अब ये माइनस और ये वाला माइनस 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 प्लस होगा तो फोर वाई ऑफ जीरो आ जाएगा नेक्स्ट फोर और वाई का लफलास वाई एफ एस आ जाता है इधर आपके पास क्या है यू थ्री आप यू थ्री आप टी का लफलास क्या होता है ई रेसा माइनस थ्री एस ओवर एस ठीक हो क्या अब यहाँ पर क्या करेंगे इनिशियल कंडीशन जो इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है क्वेश्चन में इसको पुट करेंगे वाई आफ जीरो की जगह जीरो यहाँ पर जीरो हो जाएगा ये टर्म भी जीरो हो जाएगी और वाई प्राइम ऑफ जीरो की जगह हम वन पुट करेंगे यानी यह यह कि यहां पर माइनस वन आ जाएगा क्लियर अब यहाँ पर जो माइनस वन आएगा ये दूसरी साइड पर जाके देखें यहाँ पर प्लस वन आ गया ठीक है और दूसरे साइड पर और क्या टर्म पड़ी हुई है एक टर्म पड़ी हुई है ई रिशा माइनस फी एस ओवर एस क्लियर और बाकी टर्म देखें दिस वन दिस वन और दिस वन ये तीन टर्म्स हैं इनके साथ क्या है वाई अपस है तो टर्म्स क्या है एस के माइनस फोर एस प्लस फोर और यहाँ से वाया फेस को हमने कॉमन ले लिया नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे हमें चाहिए वाया फैस हमें बेसिकली आंसर क्या चाहिए बायाफ़ टी में आपके पास वाया फैस आएगा वाया फेस को पहले निकालें वाया फेस का लपलास इनवर्स अप्लाई करेंगे क्योंकि एस वाली फॉर्म पर लपलास इनवर्स अप्लाई करते हैं तो टी की फॉर्म में चला जाता है हमारा सारा का सारा आंसर ठीक है तो हमें वायाफ टी चाहिए तो वाया फेस का हमने क्या करना है तो प्लास इनवर्स ले लेना है लेकिन सबसे पहले हमें वाई एफ एस को सेपरेट करना है तो ये जो इसके साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी तो अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या किया है जो आपके पास इक्वल के दूसरी साइड पे टर्म थी जिसको हमने दूसरी साइड पे लेके गए हैं डिवाइड हुई है उसकी बेसिकली हमने फैक्टराइजेशन कर ली है तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा वन ओवर वन था वन के नीचे दूसरी टर्म आएगी तो एस माइनस टू होल्स के प्लस ई एसपा माइनस फ्री इंटू एस था और एस के साथ भी ये दूसरी टर्म जो इक्वल के इस साइड में पड़ी हुई थी लास्ट स्टेप में जो भी हमने प्रीवियस स्टेप देखा है उसमें तो उसकी फैक्टराइजेशन की हुई है उसकी हमने यानी कि कंप्लीटिंग स्केयर किया हुआ ठीक है तो यहाँ पर एस माइनस टू होल स्केर आ जाएगा यह आप कह लें कि फैक्ट्राइजेशन की है क्लियर अब यहाँ पर आप प्रेस किया है वन ओवर एस माइनस टू होल स्केर है आपको बताया वन ओवर एस माइनस टू होल स्केयर हो तो आप क्या कहते हैं डेरिवेटिव लगाएंगे माइनस साइन आएगा क्योंकि आपके पास माइनस वन की पावर क्या आ जाएगी एन माइनस वन आ जाएगी ठीक है और डी बाई डी एस वन ओवर एस माइनस टू प्लस ई रिश्वर माइनस पी एस और यहाँ पर आप आ, क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे ए बी और सी इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ए की वैल्यू आपके पास वन वन बाई फोर आएगी बी की वैल्यू माइनस वन बाई फोर और सी की वैल्यू वन बाई टू आ जाएगी और ये वाली टर्म एस इट नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे इसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे ठीक है विद रिस्पेक्ट टू तो एस डेरिवेटिव लेने के बाद जो भी टाइम आएगी आपके पास वाया फैस आ जाएगी ठीक है और वाया फैस का आपने क्या करना है लपलास इनवर्स अप्लाई करेंगे क्योंकि आपको वाई एफ टी चाहिए तो लफलास इनवर्स अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा टी ई रिश्ते टू टी वन बाई फोर और आप इसको लिख सकते हैं यू थ्री एफ टी माइनस वन ओवर फोर और इसको लिख सकते हैं यू थ्री ऑफ टी और साथ आप इज टू इंटू ट्री माइनस थ्री और इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं आपने ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं और इसी को हम मजीद जब वो यहाँ पे जो भी चीज़ें कॉमन आती हैं उसको कॉमन ले लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर एलेवन का अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टी है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो है वो आपका सामेट वर्क है वो आप लोग खुद करेंगे ठीक है आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ओके okay? uh, तो क्वेश्चन नंबर थर्टी में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के बना है डी स्के वाई बाई डी टी स्के प्लस टू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इक्वल किसके टू इन टी माइनस फ्री यू थ्री एफ टी और uh, जैसे कि आपको पता है हम इनिशियल वाली प्रॉब्लम देख रहे हैं लपलास्ट हॉस फॉर्म की तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास है वाई ऑफ जीरोज़ टू टू एंड बाई प्राइम ऑफ जीरोज़ टू वन सबसे पहले हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे लपलास्ट ऑफ फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके पास सी वाली टर्म आ जाएगी अब यहाँ पर मैं डिटेल नहीं बताऊँगी क्योंकि हमने फर्स्ट टेन क्वेश्चन भी देखे उसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर इलेवन में मैंने आपको डिटेल अगेन बताई है तो इसमें नहीं बता रही ठीक है यहाँ पर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने के बाद आपके पास क्या जाएगा एस के प्लस टू एस प्लस वन इंट वाई एफ एस और यहाँ पर जब वाई जीरो की जगह टू पुट करेंगे यहाँ तो यह है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये जो माइनस टू एस है ये दूसरी साइड पर जाएगा प्लस टू एस हो जाएगा यहाँ पर देखें माइनस टू है और एक टू इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फोर हो जाएगा यहाँ पर आपके पास वाई एफ जीरो वन है, है, है तो यहाँ पर माइनस वन माइनस फोर माइनस वन माइनस माइनस फाइव दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस फाइव जाएगा और बाकी ये वाली जो टर्म है इक्वल के दूसरी साइड पे टू ई रेस वाइनस थ्री तो एस ओवर एस के पड़ा हुआ है ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास एस प्लस वन होल स्केर आ जाएगा ठीक है इसको डिवाइड कर देंगे अब यहाँ पर हमने क्या किया देखिए देखे यहाँ पर हम पार्शिव फ्रैक्शन अप्लाई करने लगे ठीक है तो पार्शि फ्रैक्शन यहाँ पर अप्लाई करेंगे लेकिन यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं यहाँ पर हमने इसको ब्रेक किया है तो टू ओवर एस प्लस वन प्लस थ्री ओवर एस प्लस वन होल्स के आ जाएगा और इस टर्म की हमने क्या करनी है पार्शियल ऑफ फ्रैक्शन कर लेते हैं यानी कि इस टर्म को हम कंसिडर करके इसकी पार्शियल ऑफ फ्रैक्शन करेंगे देन हम आ, बाया फेस्ट जो आया इसका लप्लास इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे क्लियर तो अब देखिए हमने कंसिडर किया है टू ओवर एस के प्लस एस के इंटू एस प्लस वन होल्स के यहाँ पर हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन लगाएंगे फैक्टराइजेशन लगाते हुए हम ए बी सी और डी इन चारों की वैल्यू निकालेंगे बी की वैल्यू आपके पास टू आ जाएगी डी की वैल्यू भी टू आ जाएगी ए की वैल्यू माइनस फोर और सी की वैल्यू प्लस फोर आ जाएगी तो ये सारी की सारी वैल्यूज सा हम यहाँ पर ए बी सी और डी की जगह इनकी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इस सारी के साइड टर्म को ये इक्वल किसके है इस टाइम के है तो इस टाइम की जगह ये सारी के साइड टर्म लिख देंगे जो हमने अभी पिछला स्टेप देखा है उसमें ठीक है तो अब देखिए हमने ये वाली टर्म एज इट यहाँ पर ये जो टैम आएंगे ये उस ये जो टैम थी आपके पास टू ओवर एसकेप एस प्लस वन होल के इसको जब हमने सॉल्व किया है पार्श फ्रैक्शन से तो ये वाली साइड टाइम आई है ये तो हमने यहाँ पे पुट कर दी या आपके पास वाई एफ एस है इसका लपलास इन्वर्स करेंगे तो वाई एफ टी आ जाएगा और ये साइड सारे साइड टाइम जो वो वाई एफ टी की है उसको मजीद सिम्प्लीफाई करके मजीद जो चीज़ें कॉमन आती है कॉमन करके लिखेंगे और यहाँ पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी का नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोटीन आता है और क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपका असाइनमेंट वर्क है तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी की तरफ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी में आपके पास क्वेश्चन क्या डिफेंस इक्वेशन है डी स्के वाई बाई डी टी स्के प्लस फोर वाई इक्वल किसके साइन टी माइनस यू टू पाई ऑफ टी साइन ऑफ टी माइनस टू पाई और अनिशियल कंडीशन है वाई ऑफ जीरो इक्वल टू तो जीरो एंड वाई प्राइम ऑफ जीरो टू तो जीरो सबसे पहले हम क्या कहते हैं ये जो गिमन सॉरी डिफरेंशियल है इसका लपलास्ट ऑफ अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा एस के अनिशियल कंडीशन पुट करते हुए आपके पास ये जो टर्म आएगी ये फाइनल टर्म है जिसमें इनिशियल कंडीशन पुट हो चुकी है क्लियर एस के वाई एफ एस प्लस फोर वाई एफ एस इक्वल करके वन ओवर एस के प्लस वन माइनस ई रिश्वावर ई रिश्वा माइनस टू पाई एस ओवर एस के प्लस वन आ गया यहाँ से आप वाई एफ एस को अलग कर लेंगे और उसके बाद वाई एफ एस आपके पास आ जाएगा उसका लाप्लास इनवर्स अप्लाई कर देंगे क्लियर तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है बायापेस को हमने कॉमन ले लिया और आपके पास यहाँ पर क्या आया एस के प्लस फोर आ गया एस के प्लस फोर को यहाँ पर इस साइड पे मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा तो देखिए वन ओवर एस के प्लस वन और साथ आपके पास एस के प्लस फोर आ रहा है और इस टाइम में भी सेम चीज़ होगी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे पार्श फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे इस टाइम को कंसीडर करते हुए पार्श फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे और यहाँ से ए बी सी और डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ठीक है कॉफिशन को कंपेयर करते हुए सबसे पहले हमने कॉफिशन कंपेयर कर लिया अब हम जो ए बी सी और डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्लियर तो अब देखिए हमने ए की वैल्यू निकाली जीरो और सी की वैल्यू भी जीरो आ गई बी की वैल्यू वन बाई थ्री और डी की वैल्यू भी आपके पास वन बाई थ्री आ गई तो हमने सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है तो यहाँ पे पास वाई एफ एस आ गया अब वाई एफ एस आ गया तो वाई एफ टी कैलकुलेट कर सकते हैं ईजीली अब प्लास इनवर्स अप्लाई करते हुए तो आपके पास वाई एफ टी दिसवन ये सारे के सारे आंसर आ जाएगा इसको मजीद सिम्पलीफाई कर लिखेंगे और इसको मतलब फ़ाइनलाइज करके लिखेंगे जस्ट हमने चीज़ें कॉमन लेनी है और इसको फाइनलाइज़ करके लिखेंगे और यहाँ पे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का आंसर है हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास डी क्यूब वाई और डी टी क्यूब माइनस फोर डी स्के वाई बाई डी टी स्के प्लस डी वाई बाई डी टी प्लस सिक्स बाई ई को लिखी टी के और हमें जो ए, हमें कंडीशन किस तरह से गिवन है कि वाई ऑफ जीरो कंडीशन है वाई ऑफ जीरो और वाई प्राइम ऑफ जीरो दोनों का आंसर क्या है जीरो है और द, वाई डबल प्राइम ऑफ जीरो का आंसर क्या है वन है Uh, ये हमने पुट करनी है इनिशियल कंडीशन सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की और फॉर्म अप्लाई करेंगे और ये इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली फाइनल टर्म आ जाएगी अब यहाँ से हमने वाई एफ एस को अलग कर लिया और इनिशियल कंडीशन पुट करके तो आपके पास फाइनल टर्म आएगी वो क्या आएगी वन प्लस वन ओवर एस माइनस वन होल्स के अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है एलसीएम लेना है तो आपके पास क्या आ जाएगा एस के माइनस टू एस प्लस टू ओवर एस माइनस वन होल स्के क्लियर और नेक्स्ट स्टेप में ये वाली जो टैम है ये दूसरी साइड पे जाएगी इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे ठीक है फैक्ट्राइजेशन करके दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो जिसमें ये टर्म आ जाएगी अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ईजीली फैक्ट्राइजेशन पार्श प्रेक्शन कर सकते हैं पार्शा प्रेक्शन करेंगे और यहाँ से ए बी सी और डी और ई e की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये सारी के सारी टाइम हमने मल्टीप्लाई कर लिया है ठीक है तो अब हम ए बी सी डी और ई e, इन पांचों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो अब देखिए यहाँ पर हमने बी की वैल्यू वन बाई फोर सी की वैल्यू फाइव बाई ट्वेंटी फोर्टी एट डी की वैल्यू माइनस टू बाई थ्री और ई की वैल्यू आपके पास क्या आ गया फाइव बाई सिक्सटीन और ए की वैल्यू आपके पास वन बाई फोर तो हमने ए बी सी डी और ई e की वैल्यू फाइंड कर ली, ली। वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पर हम पुट करेंगे तो आपके पास बाई एफ एस आ जाएगा इसका लगभग लास्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके पास बाई एफ डी आ जाएगा जो कि आपके पास आंसर है हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है डी क्यूब बाई बाई डी टी क्यू माइनस फाइव डी इसके वाई बाई डी टीस के भाई भाई टी प्लस सेवन डी वाई बाई डी टी माइनस थ्री वाई इक्वल किसके ट्वेंटी टी के और हमें इनिशियल कंडीशन किस तरह से की मैंने कि वाई ऑफ़ जीरो और वाई प्राइम ऑफ जीरो कहाँ से क्या जीरो आता है और बाय प्राइम ऑफ जीरो इक्वल किसके माइनस टू के सबसे पहले हम इसको इक्वेन नंबर वन का नाम देंगे इक्वेन नंबर वन का हमने प्लास्ट ऑफ फॉर्म अप्लाई करनी है तो आपके पास इस वन ये वाली फॉर्म आ जाएगी अब यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करी क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके कर लिए हैं यहाँ से हमने वाई एफ एस को कर, आ, अलग कर लिया है और ये जो टर्म है ठीक है इसके हमने जो है वो फैक्टराइजेशन करनी है और आपके पास इस तरह से फैक्टर बन जाएंगे फैक्टर बनने के बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे और यहाँ से ए बी सी और डी इन चारों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्लियर तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने क्या किया ए बी सी और डी इन चारों की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है तो बी की वैल्यू आपके पास माइनस फोर तो आ गई है सी की वैल्यू आपके पास माइनस थ्री ए की वैल्यू थ्री एंड डी की वैल्यू वन आ गई है तो यानी कि हमने वैल्यूज किस तरह से कैलकुलेट करनी है कॉप्शंस को कम्पेयर करने करते हुए एक्स क्यूब का कॉप्शन एक्स केयर का एस का, का और कॉन्स्टेंट इन सब को कम्पेयर करते हुए हमने ए बी सी और डी की वैल्यू कैलकुलेट की है क्लियर तो अब देखिए हमने क्या किया है ए बी सी और डी इन चारों की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है और की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वाई एफ एस आ जाएगा हमें चाहिए वाई एफ़ टी तो हम लपलास इनवर्स अप्लाई करेंगे तो थ्री तो थ्री रहेगा वन ओवर एस माइनस वन का लपलास इन्वर्स आता है ई रेस्वा टी माइनस फोर टी ई रेसवा टी आ जाएगा माइनस थ्री कॉज ऑफ़ टी प्लस साइन ऑफ टी और ये पर पास आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन की तरफ तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है डी डी इसके ओवर डी टीस के प्लस सिक्स डी बाई डी टी प्लस सेवन होल स्केयर इंटू वाई इक्व स्केयर जीरो के और हमें कंडीशन क्या इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है वाई ऑफ जीरो टू जीरो वाई प्राइम ऑफ जीरो टू जीरो वाई डबल प्राइम ऑफ जीरो यानी कि इन इन तीनों की वैल्यू क्या है जीरो है और वाई डबल प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है फोर रूट ऑफ टू के ठीक है सबसे पहले हम क्या करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्केर ओपन करके लिखेंगे तो उसके ओपन करके क्लिक करेंगे तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी इसको इक्वे नंबर वन का बेशक नाम दे दें उसके बाद आपने इक्वे नंबर वन के लफलास्ट ऑफ फॉर्म अप्लाई करना है लफलास्ट ऑफ फॉर्म इसका फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास ये वाली साइड टर्म आ जाएगी यहाँ से आपने क्या कर करना है वाई आफ एस को इधर रखना है और ये जो ब्रैकेट वाला फंक्शन है इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा क्लियर ये वाई आफ एस हमारे पास क्या आ गया फोर इसके वोट ऑफ टू ओवर एच के प्लस सिक्स एक्स माइनस प्लस सेवन होल्स के ठीक है तो यहाँ से हम जो वो कन्वोल्यूशन थर्म अप्लाई कर सकते हैं यानी कि कन्वोल्यूशन के डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई हुई है तो उसको आ, उसको अप्लाई करते हुए हम लप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे वाई एफ एस का अब कन्वर्सन uh, uh, में हमारे पास दो फंक्शन होने चाहिए हमारे पास फंक्शन यहाँ पर एस की फॉर्म में हमें एफ ऑफ टी की फॉर्म में चाहिए एफ ऑफ टी और जी एफ टी की फॉर्म में लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ एस और जी एफ एस की फॉर्म में है तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एस और जी एफ जी एफ एस की फॉर्म में फंक्शन को लिख लेते हैं वन ओवर एस के प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन और यानी कि यहाँ पर एस के प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन का होल खेल है ना तो हम इसको दो फंक्शन में सिपरेट करें जी एफ एस एंड एफ एफ एस एफ एफ एस और जी एफ एस के फॉर्म में यहाँ से हमने क्या किया हमें एफ एफ टी चाहिए तो एफ एफ एस का हम लपलास इनवर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ एफ टी क्या आ जाएगा वन आवर स्क्योट ऑफ टू गड वाइन थ्री टी साइन हाँ बोला स्केट ऑफ टू टी यहाँ पे पास एफ आफ टी आ जाएगा और सेम आपके पास जी एफ टी भी होगा क्योंकि एफ एफ टी और जी एफ़ टी एफ एफ टी और जी एफ टी दोनों का सेम ही फंक्शन है ना तो इनका लाप्लास इनवर्स भी सेम आएगा यानी कि एफ एफ टी और जी एफ टी का दोनों के आगे दिस वन ये आगे ठीक है अब यहाँ पर हम जब वो कन्वोलेशन थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं तो अब देखिए हमारे पास दो फंक्शन आ गए एफ ऑफ एस और जी एफ एस इनका हमने लाप्लास इनवर्स कैलकुलेट किया यानी कि एफ एफ टी और जी एफ टी आगे तो कन्वोलेसन की डेफिनेशन लगा सकते हैं इंटीग्रल जीरो टू टी एफ ऑफ़ यू जी जी आफ टी माइनस यू डी यू ठीक है एफ ऑफ़ यू हमारे पास क्या है यानी कि जो हमारे पास एफ ऑफ़ टी वाला फंक्शन है जहाँ जहाँ पे एफ ऑफ़ टी है वहाँ पर हम टी की जगह यू अप्लाई कर देते हैं तो आपके पास दिस वन ये सारा फंक्शन आ जाएगा और जो जी एफ टी है टी की जगह हमने टी माइनस यू करना है तो आपके पास ये वाला सारा फंक्शन आ जाएगा और साथ आपके पास डी यू आ जाएगा क्लियर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर, करेंगे इंटेग्र सॉल्व करेंगे ठीक है इंटेग्र सॉल्व करने से पहले यहाँ पर साइन के दो फंक्शन हैं तो साइन अल्फ़ा और साइन हाइपोबोलिक साइन हाइपोबोलिक फंक्शन है तो, तो यहाँ पर हम जब फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास कॉस हाइपोबोला जिसमें आ जाएगा माइनस कॉस हाइपोबोला वो बोला जिसमें यानी कि कॉल है फर्स्ट टाइम प्लस सेकंड टाइम माइनस कॉस हो बोला फर्स्ट टाइम माइनस सेकंड टाइम इस हाँ तरह से ठीक है और साथ आपके पास डी यू आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कॉस हाइपोबोला इसके रूट ऑफ टू टी माइनस कॉस है हाँ टू इसके रूट ऑफ टू यू माइनस के रूट ऑफ टू टी डी यू आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे इंटागुलर सॉल्व करके लिमिट अप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है इंटीग्रल अप्लाई uh, करेंगे तो इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो हम इस टाइम का इंटीग्रल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा इंटीग्रल अप्लाई करने करके साथ ही आपने लिमिट अप्लाई कर देने ज़ीरो टू टी ठीक है लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर आपके पास देखें तो अब इसी टाइम को आपने क्या कहना है मज़ीद सिंपलीफाई जस्ट आपने कॉमन चीज़ें करनी है कॉमन चीज़ें निकाल के यानी कि जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं उसको कैंसिल करेंगे और यहाँ पे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर एटीन का 18 हम मूव कहते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है जो कि आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आप लोग खुद करेंगे ये आपका असाइनमेंट पर वर्क है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो अच्छे लगते तो लाइक करें और शेयर मस्स करें ताकि सब स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट मिल सके क्योंकि हम जी सी मेन कैंपस और ये जो मेन कैंपस का कोर्स है बी एस सेमेस्टर का डिफरेंशियल इक्वेशन टू ये अप्रिकेटेड कॉलेज का भी सेम कोर्स है क्योंकि हम पूरी की पूरी आउटलाइन को कवर कर रहे हैं ठीक है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है टी डी डी स्के वाई बाई डी टीके प्लस टी माइनस वन डी वाई बाई डी टी माइनस इक्वल टू जीरो और हमें इनिशियल कंडीशन क्या कि मैंने कि वाई ऑफ जीरोजू फाइव एंड वाई वाई ऑफ इन्फिनिटी इक्व टू जीरो इस तरह से हमें इनिशियल कंडीशन के बनाए सबसे पहले जो इक्वेन नंबर बन है यानी कि जो डिफेंशल इक्वेन है उसका लपलास्ट टॉस तो फॉर्म अप्लाई करेंगे लपलास्ट ट्रांसफॉर्म तो अप्लाई करते हुए आपके पास साइड इस तरह से टाइम आ जाएंगे डेरिवेटिव लेंगे डेरिवेटिव लेने के बाद इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली साइ टाइम आ जाएंगी यानी कि माइनस एच के प्लस एस वाई प्राइम ऑफ एस माइनस फ्री एस प्लस टू वाई ऑफ एस प्लस टेन इक्व टू जीरो क्लियर ख हमारे पास वाई प्राइम ऑफ ऑफेस किसके इक्वल है सॉरी वाई प्राइमाफेस हमारे पास क्या है इक्वल है हमारे पास थ्री एस प्लस टू ओवर एस के प्लस एस के और वाई ऑफेस इक्वल है हमारे पास टेन ओवर एस इंटू एस प्लस वन के ठीक है यानी कि हमें इसको बायापेस्ट तो यहाँ पर निकल उसके बाद ये जो आपके पास इक्वेन है ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेन है इन बायापेस तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेन है तो इसका आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है कि आपने चैप्टर नाइन एस एम यूसफ की बुक का आपने अच्छे से किया हुआ है वहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लेते रहे हो तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए ठीक है फैक्टर लेंगे इंडिकेटेटिंग फैक्टर लेके आप यहाँ पे पुटिंग करेंगे और आपके पास ये वाला वाया फेस आ जाएगा आपको चाहिए वाई एफ टी तो वाई एफ टी चाहिए तो आपने क्या करना है जो वाया फस वाली टर्म्स हैं इनका लपलास इनवर्स कैलकुलेट करना है तो आपके पास वाई एफ टी आ जाएगा क्लियर अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है वाया फेस आ गया वाईआफ़ के हमने इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई किया इस टर्म को सिम्प्लीफाई हमने इसको किया है और उसके बाद हमने वाई ऑफ एस का लपलास इनवर्स अप्लाई किया तो वाई एफ टी आपके पास क्या आ गया सी प्लस फाइव ई रिश्वा माइनस टी माइनस सी इंटू वन माइनस टी और यहाँ पे पास ये वाली फॉर्म आ गई सिंस वाई अप्रोच करता है जीरो को जब टी अप्रोच करता है इंथ्वेंटी को दे फॉर सी इक्वल किस हो जाएगा जीरो की हो जाएगा सी की जगह ज़ीरो वोट करेंगे तो वाई ऑफ टी का आंसर क्या हो जाएगा फाइव ई रिश्वा और यहाँ के पास आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप उनसे पूछ सकते हैं Uh, उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो हैं लाइक करें और अपना फीडबैक मुस्या करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि हम जी सी मेन कैंपस और एप्लीकेटेड कॉलेजेस का कोर्स पढ़ें डिफरेंश लिक्वेंट टू एस एम यूसफ़ की बुक है चैप्टर एलेवन जिसके आज से हमने एलेवन टू ट्वेंटी क्वेश्चन देखे हैं ठीक है एलेवन से लेकर ट्वेंटी तक क्वेश्चन देखे हैं ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़